तो हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोर्स। तो फिलहाल मैं हूं अभी NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी में, और यहां से एक यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और अगर मैं कहूं कि ये मेरी पूरी लाइफ का सबसे लंबा जर्नी जो है होने वाला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नी है जो करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। और सच में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी जर्नी है। ये जर्नी होने वाली है न्यू जलपाईगुड़ी से बाड़मेर तक। एक चीज़ और है, यहाँ जितनी भी ट्रेनें नॉर्थ ईस्ट में घुसती हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करती हैं, उन मैक्सिमम ट्रेनों का जो लोको चेंज है वो यहाँ पे होता है। फिलहाल अगर ट्रेनें इलेक्ट्रिक से आती हैं तो यहाँ या फिर न्यू कोच विहार में जो लोको है वो चेंज होता है, जो ट्रैक्शन है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिक टू डीजल में। तो शाम के करीब 6 बजने वाले और हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी NJP से करीब 25 किलोमीटर दूर है, रानी नगर के आसपास में है। और एक और चीज़ है, उस साइड से जो अगरतला राजधानी है, जो तेजस राजधानी है, वो भी बस आने ही वाली है। तो फाइनली अगरतला तेजस राजधानी जो है वो आ चुकी है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे शायद आई है। गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस। और फाइनली हमारी ट्रेन का अराइवल जो है वो बिफोर टाइम हो गया है। तो अब से करीब करीब 36 घंटों के लिए ये कोच जो है वो हमारा होने वाला है, और 36 घंटों तक का सफ़र जो है उसमें करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे डिपार्चर का टाइम जो हो चुका है, करीब 6:30 हो चुके हैं, और किसी भी वक्त हमारा जो डिपार्चर है वो हो सकता है। चलिए, डिपार्चर का टाइम हो चुका है और ट्रेन बस निकलने वाली है, और बारिश का वक्त है। तो कोशिश यही रहेगी कि अंदर से आपको डिपार्चर जो है वो दिखाऊं मैं। और आप लोग मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को जो बारिश के वक्त की जर्नी होती है वो अच्छी लगती है। और बिल्कुल तय वक्त पे अपना डिपार्चर जो है वो NJP से हो चुका है। चलिए अंदर चलते हैं, और जर्नी बहुत लंबी है तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आपको उसके पूरे रूट में। और इसके बाद जो है वो आपको किशनगंज, उसके बाद कटिहार तक की जर्नी जो है वो आज के दिन आपको दिखाने वाले हैं। और देखते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो किन किन स्टेशन पर होगी। लेकिन इसके बाद जो पहला हॉल्ट है हमारी जर्नी का वो किशनगंज है, और फिर कटिहार में ट्रेन जो है वो रुकेगी। और यहाँ पे आप देख सकते बाहर बारिश हो रही है और अंदर पानी जो है वो यहाँ से रिस रहा है। काफ़ी पुराना कोच ये लग रहा है, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही है। बस अब देखना ये कि पूरी जर्नी पर अगर बारिश होती है तो नीचे पानी जो है वो कहीं ना भर जाए। क्या भीड़ है यहाँ पे यार, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सारी ट्रेन में लोग यहीं चढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत शाम ढल चुकी है, और ऑलरेडी मतलब दिन ढल चुका है, और चांद आप पीछे देख सकते हैं। और एक और चीज़, ट्रेन में ट्रैवल करना सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप सभी के लिए व्लॉग बनाना और इस तरह से ट्रैवल करना सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक और चीज़ है, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैं अपने जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है उसको मैनेज कैसे करता हूँ। तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिना सिस्टमैटिक प्लानिंग और मेरी करंट इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग के बिना ये चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम सभी की वेल्थ फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड्स, लोन्स, एक्सपेंसेस, कार्ड्स वगैरह में स्कैटर्ड होती है और सभी को एक जगह पर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब आईएनडी मनी ऐप ने मेरी इस प्रॉब्लम को काफ़ी इजीली जो है वो सॉल्व कर दिया है। इस ऐप में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड्स, FDs, सेविंग अकाउंट्स, लोन्स, एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकता हूँ। तो मुझे अलग अलग ऐप्स नहीं यूज़ करने पड़ते और साथ ही साथ बैंक के चक्कर भी बहुत कम लगते हैं। मैंने अपना पोर्टफोलियोस ऐप पे सिंक किया है और सिंपल डैशबोर्ड पे मुझे सारी डिटेल्स जो है वो शो होती हैं। यहाँ मुझे डेली अलर्ट्स मिलते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड और स्टॉक बढ़ा और कौन सा गिरा और किस म्यूचुअल फंड या स्टॉक में क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि यहाँ मैं अपना फाइनेंशियल गोल जो है वो सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई एक्सपेंसिव गियर लेना है, कोई लंबे टूर पे जाना है, तो आईएनडी मनी मुझे हेल्प करता है वो गोल अचीव करने में। तो इस ऐप पे आप जीरो कमीशन या ब्रोकरेज के साथ न्यू SIPs जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और साथ ही साथ US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आईएनडी मनी मेरा पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है और मैं कहीं से भी, लिटरली कहीं से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता हूँ और नई इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और साथ ही साथ नए फाइनेंशियल गोल भी सेट कर सकता हूँ। तो ये ऐप बिल्कुल सेफ है क्योंकि 1.5 मिलियन इंडियंस जो है उसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप भी आईएनडी मनी को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और ट्रांसफॉर्म करिए। और जब भी हम लोग 2AC में जर्नी करते हैं, नॉर्मली सीट्स खाली होती हैं और ऐसा फील नहीं होता, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये 3rd AC का कोच है, कुछ इस तरीके से फील हो रहा है। तो आज गाड़ी में काफ़ी रश है, काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड है गाड़ी में। तो सत्या भाई, ये कितने लीटर की बॉटल है? 2 लीटर की बॉटल लग रही है। तो 2 लीटर की बॉटल 20 रुपए की पड़ी, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा रिव्यू तो बनता है, पता चला सब्सक्राइबर्स आए और लालच में खरीदे हैं, जैसे हमने इस लालच में ले लिया है, हम बाद में धोखा हो जाए। तो अभी मैंने जैसे इसकी सील खोली है, और ये भी देखो लगा हुआ है, साउंड भी आया होगा, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। नल का पानी मर दिया क्या? नहीं, रेल नहीं लग रहा है। अच्छा, सही लग रहा है, मतलब वाटर ही लग रहा है। अब मैं इसी ब्रांड की गारंटी ले सकता हूँ, बाकियों की नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स मिलती है 20 रुपये में। तो इसके टेस्ट की तो गारंटी मैं एटलीस्ट ले सकता हूँ कि साफ तो है, मतलब नल के पानी से तो बेटर है। कटिहार से साहिबगंज, पूर्णिया, बारसोई और खगड़िया के लिए अलग लाइंस जो है वो गई हुई हैं, तो इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। काफ़ी रश है, मतलब काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में बोर्ड होने वाले हैं यहाँ से। ओ भाई, कितने सारे लोग जो हैं कटिहार जंक्शन पे ट्रेनें बोर्ड होने वाले हैं। और यही सेम जो मंजर था वो किशनगंज में था। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 9:55 और करीब यहाँ हम 15 मिनट पहले ही पहुँच चुके हैं। ओरिजिनल टाइम जो था यहाँ पहुँचने का 10:10 का था, लेकिन 15 मिनट पहले हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पे है। एक तरह से ये बहुत बड़ा स्टेशन है, आप देख सकते हो तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। और यहाँ से हर रूट के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है। अगर बात करें कटिहार जंक्शन की, तो चलिए, कटिहार से अब निकलने का वक्त हो चुका है और यहाँ से डिपार्चर लेते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 4:20 पे पटना में। और अभी कुछ पैसेंजर लोग जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, पर अब लगता है कि शायद मुझे सोना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं सोया तो फिर सुबह 4 बजे उठने का जो प्लान है ना वो फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि पटना को मैं
ऐसे ही स्किप कर दूँ, पटना है फिर। सबसे अच्छी बात यह है कि राजेंद्र नगर जो है वो स्किप होता है, फिर पटना का अराइवल, उसके बाद दानापुर का स्किप। तो ये चीज़ें जो है, ये सब, तो ये सारे स्टेशन जो है मैं मिस नहीं करना चाहता। भले ही थोड़ा अंधेरे में सब कुछ निकलेगा, पर फिर भी मैं उन सभी चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ। तो सोते हैं फिलहाल अभी और सीधा कोशिश करते हैं कि आपसे पटना में मिले हम। जस्ट अभी अभी नींद खुली और आंखें खोलते ही पटना राजधानी के जो रेक्स हैं ना, वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सामने। तो सुबह सुबह फिलहाल राजेंद्र नगर को स्किप कर रहे हैं और 2003 के पहले स्टेशन डेवलप नहीं था तो पटना पे बहुत ही ज़्यादा लोड आता था, पर राजेंद्र नगर टर्मिनल के बनने के बाद, उसके साथ ही साथ दानापुर, पाटलिपुत्र, इन सभी स्टेशन्स के डेवलपमेंट के बाद पटना जंक्शन का जो लोड है वो काफ़ी कम हुआ है। चलिए पटना मेन स्टेशन और बिहार की राजधानी में हम पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह यहां से ढेर सारी ट्रेनें निकलती हैं, छोटी तो कुछ लंबी दूरी के लिए, इसलिए स्टेशन पे चहल पहल जो है सुबह सुबह काफ़ी बनी हुई है। तो अपना डिपार्चर जो है वो ठीक 5 मिनट के बाद हो चुका है, मतलब तो ट्रेन यहाँ हमारी 15 मिनट लेट ज़रूर से आई, लेकिन जो डिपार्चर है वो ठीक 5 मिनट के बाद हो गया। और सामने जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है वो खड़ी है। और सुबह सुबह पटना जंक्शन जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे इतनी चहल पहल होती है। जब प्लेटफॉर्म से हम थोड़ा आगे निकलते हैं तो फिर जो चिड़ियों की आवाज़ है ना, वो सुनाई देती है साफ साफ। और बहुत ही कमाल की सुबह है। तो पटना के बाद अब बारी है दानापुर की और बहुत ही जल्दी हमारी ट्रेन जो है वो दानापुर को भी अभी स्किप करने वाली है। तो बिना दानापुर स्किप दिखाए अंदर जाना ठीक नहीं है। तो फिलहाल जो है दानापुर का स्किप देखिए और उसके बाद जो अर्ली मॉर्निंग शॉट्स है ना, देखते हैं। बादल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो क्लाउड्स है वो लगे हुए हैं, तो सनराइज देखने को शायद ना मिले। यहाँ पे भी जो तेजस राजधानी, पटना राजधानी की जो रेक्स है ना, वो यहाँ पे भी खड़े हैं। और देखना पड़ेगा ये स्टेशन कौन सा है, फुलवारी शरीफ। यहाँ भी एक रेक जो है पटना राजधानी का खड़ा हुआ है। और बस दानापुर जो है वो पहुँचने वाले हैं। और दानापुर स्टेशन को भी हमारी ट्रेन बहुत ही स्लो स्पीड में स्किप की। मोस्ट फेमस ट्रेन ऑफ दिस रूट अपने दानापुर। क्या लगता है, स्किप हो गए रुकेगी? रुक जाएगी। और
सामने कोई तो ट्रेन आ रही है। वैसे संपूर्ण क्रांति और पटना राजधानी दोनों सुबह सुबह ही पटना आती हैं, पर ये राजधानी तो नहीं। और इस वक्त जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक पटना राजधानी के जो पुराने रेक हैं वो चल रहे थे, बाकी 1 सितंबर से नए तेजस रेक जो हैं वो पटना राजधानी को मिल चुके हैं। और सनराइज़ बस होने ही वाला है और बेहता के बाद माइटी सोन रिवर पर ही बना ये लंबा रेल ब्रिज सुबह सुबह बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है करीब 8:15 का और हमारी गाड़ी जो थी यहाँ कुचमन में करीब 7:45 पे आ गई थी और तब से यहाँ पे खड़ी है। और एक और चीज़ है, उस तरफ से कोई तो गाड़ी आ रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है वो। और उस तरफ से भी गाड़ी है, मतलब दोनों तरफ से ट्रेन आ रही हैं। भागलपुर लोकमान्य तिलक, सीमांचल, इन दोनों ही गाड़ियों का जो डीडीयू में अराइवल टाइम है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी तो फाइनली डिपार्चर जो यहाँ से हो चुका है। करीब 1 घंटे से हमारी ट्रेन यहीं पे खड़ी थी और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है डीडीयू यहाँ से। और एक और चीज़ स्टेशन की अच्छी लगती है कि स्टेशन के बीच में आपको ढेर सारे जो पेड़ है ना वो देखने को मिल जाते हैं। भले ही ये स्टेशन बड़ा है लेकिन प्लेटफॉर्म पे ऐसे आपको पेड़ जो है ना वो मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक और सी बात ये है कि यहाँ पे आपको फ्रूट जो है ना वो मिल जाते हैं, तो जो फ्रूट्स हैं यहाँ बहुत मिल जाते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा दिन यानी कि शाम तक जो है वो ऑलमोस्ट फ्रूट्स जो है उनका सेवन किया जाए, उनको खाया जाए। तो चलिए कुछ फ्रूट जो हैं वो अपने लेते हैं और बहुत ही बढ़िया पपाया जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो सुबह के वक्त में काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो डीडीयू पहुँचती हैं और सामने की तरफ अगर जो गाड़ी है वो समझ में तो नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी है वो। और सामने विद्युत लोकोशेड यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोशेड डीडीयू का, और सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया है जर्नी के लिए। आसमान में बादल छाए हुए हैं, अच्छी बात है कि धूप नहीं निकली। तो चलिए फिलहाल जो ब्रेकफास्ट की शुरुआत है फ्रूट से ही करते हैं और मेरे ख्याल से जो पूरी आज के दिन है ना वो इन्हीं से फ्रूट से ही कटने वाली है। और जो कि अच्छी चीज़ है कि अगर शाम तक एक्टिव रहना है तो ये सब चीज़ें खा करके आप एक्टिव रह सकते हो, तभी आपको हम अच्छे से पूरा रूट जो है वो दिखा सकते हैं। फिलहाल डीडीयू से डिपार्चर अपना हो चुका है और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रयागराज है, तो अब सीधे वहीं मिलते हैं आपसे। बीच में कुछ ऐसे स्किप होता है, जाहिर सी बात है चुनार विंध्याचल ये सब स्किप आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद सीधा जो अराइवल है वो प्रयागराज में आपको। आपका नाम क्या है? तुषार नाम है। तो तुषार भाई मिल गए ट्रेन के अंदर और अच्छा लगता है जब ऐसे ही कोई अचानक से सीट पर आके बोलता है कि मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू तुषार भाई। मैंने इनकी वीडियो देख रखी है, सारी वीडियो देख रखी है। तो मैं एक्चुअल में इलाहाबाद तक ट्रेवल कर रहा था तो मैं इनकी वीडियो बैठ कर भी देख ही रहा था और बाहर देखा कि शूट कर रहा है कैमरा ले, तो मैं सोचा आके मिल लेता हूँ। तो अभी थर्ड में था, अभी इनसे आया हूँ मिलने, आधा ट्रेन पार करके इनसे मिलने आया हूँ और इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगता भाई। फिलहाल चुनार जो है वो अभी हम स्किप कर रहे हैं और काफ़ी स्लो स्किप है, बहुत स्लो है। तो ट्रैक पे कुछ काम चला जिस कारण से गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो हो गई यहाँ पे और इसी कारण से गाड़ी जो है काफ़ी स्लो जा रही है।
तो सोचा ना था कि मिर्ज़ापुर का स्ट्रिप कुछ ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस तरफ भी गुड्स है और इस तरफ भी गुड्स खड़ी हैं, तो मिर्ज़ापुर कुछ इस तरीके से स्किप हो रहा है। तो चुनार, विंध्याचल और मिर्ज़ापुर के स्लो स्किप के बाद अब बारी है प्रयागराज छिवकी स्टेशन के स्किप की, और यहाँ ट्रेन ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी पूरी एमपीएस पे प्रयागराज छिवकी को हमने स्किप किया। सुबह सुबह दो प्रमुख नदियां, एक सोन और एक यमुना, दोनों के दर्शन हो गए और बस यमुना ब्रिज को क्रॉस करने के तुरंत बाद जो है वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम मैंने अराइवल लिया है। ये छोटा सा मॉस्क या फिर मज़ार जो भी आप कहें वो बना हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन और यहां पहुंचने का सही समय था वो करीब 11:30 का था, लेकिन ट्रेन जो है वो थोड़ी देर हो गई। देर इसलिए जानते ही आप, क्योंकि ट्रैक पर कुछ काम चल रहा था जिस कारण से करीब 20 मिनट का डिले हो गया यहाँ पहुँचने में। बाकी बहुत दिनों बाद स्टेशन पे उतर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन। क्या हुआ, दे दिया? और यहाँ सौरभ भाई आए हुए हैं। सौरभ भाई आते ही निकल रहे हो यार, सिग्नल दे दिया, आते ही है। प्रेफरेंस है आपको? प्रेफरेंस है, और ये यहीं पे रहते हैं। और आपका चैनल का नाम क्या है? सौरभ सिंह, सौरभ सिंह करके चैनल का नाम है। यहाँ पे लिंक में दे दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, बहुत बड़े रेल फैन है ये। और बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी आए और डिपार्चर भी हो गया है। और सबसे बुरी बात ये कि अगर आप आगे रहते हो ना तो आप कुछ खाने में चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ पे, कोई स्टॉल यहाँ कुछ नहीं मिला यहाँ पे। अब चलते हैं आगे और सीधा कानपुर में कुछ देखते हैं कि नहीं। फिलहाल हमारा डिपार्चर जो है प्रयागराज से हो चुका है, और सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो जो तेजस लिवरी का WP5 लोकोमोटिव है वो यहाँ सामने आपको दिख रहा है। और ये लोकोमोटिव वैसे आए तो थे कि तेजस के साथ चलाए जाएंगे, पर इनको पता नहीं, नॉर्मल गाड़ियों के साथ इनका यूज़ होता है, इनको भेजते हैं। तो कल जब हम NJP में थे तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी सोजिंदा, काफ़ी बढ़िया था, और जैसे जैसे हम नॉर्थ में अब आगे आ रहे हैं टेम्परेचर जो है वो और बढ़ता जा रहा है और गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। चलो, फिलहाल डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज से, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि सौरभ भाई जो मिलने आए थे हमसे, हमारे लिए कुछ को लेकर के आए हैं। अब देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, और अच्छा हुआ कि कम से कम वो कुछ ले कर आ गए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से ट्रेन हमारी आगे आके रुक रही है ना प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आगे, उस हिसाब से कुछ मिलने वाला है नहीं हमें। तो ये सब देखने के बाद फूड डाइट बिल्कुल ख़त्म करने का मन कर रहा है अब। और ये पराठे और ये छोले हैं, और ये पता नहीं कैसी मीठी चटनी मेरे ख्याल से लग रही है, तो इसको फिनिश करते हैं। और सौरभ भाई अगर नहीं होते तो शायद ये चीज़ें नहीं मिलती हमें, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फिनिश करते हैं इसको, उसके बाद सीधा आपसे कानपुर मिलते हैं।
पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल, और कानपुर सेंट्रल पहुंचने का जो सही समय था वो करीब 2:05 का था, लेकिन अभी टाइम जो है वो करीब 2:20 का हो चुका है और अभी हम आउटर पे ही हैं, तो हो सकता है कि और 5 मिनट टाइम जो है वो लग जाए। तो करीब करीब 15 मिनट के डिले के साथ हम पहुँचेंगे कानपुर सेंट्रल। तो हमने करीब 1050 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है, और करीब करीब ये आधी जर्नी हमने पूरी कर ली है इस पूरे ट्रिप की, बाकी अभी भी करीब 1000 किलोमीटर की जर्नी जो है वो बाकी है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ कानपुर सेंट्रल में, आपको डिपार्चर जो है वो दिखाएंगे, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं दूसरे पार्ट में, जब हम जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे कानपुर सेंट्रल से, और इसके बाद हम भरतपुर जयपुर होते हुए जोधपुर, और फिर कल सुबह जो है वो हम पहुंचने वाले हैं बाड़मेर। उसके बाद और एक और चीज़ है कि वो मेरे लिए बहुत नई जर्नी होगी, और मैंने सुना है कि रेत के बीच से जो है वो ट्रेन चलती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत लोग देख पाएँ, जिस कारण से उसको सेकेंड पार्ट में मैं दिखाऊँगा आपको। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी इस जर्नी के सेकंड पार्ट में, और वो जर्नी बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी होगी, तो इंतजार करिए उसका। बाकी INDMoney को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर चेक करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।